पुराना लोहा प्लास्टिक बोतल लिया। ओ भैया बोतल कितने की लोगे? और भी बहुत सारी बोतल है मेरे पास। ए अनुष्का इधर आ, क्यों इतनी सुंदर बोतल बेच रही है? यार मैं रंकू ना महीनों से पैराशूट एलोवेरा यूज कर रहे हैं, बोतल इतनी इकट्ठा हो गई है। सुंदर तो है पर कर भी क्या सकते हैं। तो इनका कुछ ऐसा DIY क्यों नहीं करती है तू भी? अरे मेरे पास भी पैराशूट की ऐसी बॉटल्स इकट्ठे हो गए तो मैंने DIY बैग बना लिया। और एक बात तो माननी पड़ेगी, पैराशूट एलोवेरा ने बालों को सिल्की स्मूथ बना दिया है, इसलिए क्योंकि 100% कोकोनट ऑयल से जो बना है। मतलब नारियल वहाँ से गिरा और सीधा इसमें ही गया है। हाँ बिल्कुल सही, 100% प्योर और फ्रेश कोकोनट ऑयल से बना है। और एक्सोटिक एलोवेरा प्लांट्स होते हैं ना, इसमें उसी के एक्सट्रैक्ट्स हैं और कोकोनट ऑयल की फ्रेशनेस को समेटा गया है ताकि हर यूज में ना इसकी अरोमा आती रहे। वैसे मैं तो यहाँ रोज ही आती हूँ, ये होम डेकोर तूने बनाया है? अरे इतनी गर्मी हो रही थी कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी के ना खत्म हो गई थी, तो मैंने इनसे ना हैंगिंग फ्लावर पॉट और होम डेकोर बना दिए। तो हम अपने दोस्तों को सिखाते हैं कि ये हमने DIY कैसे बनाया है। बस आप लोगों के 75,000 लाइक्स के बाद चलिए इन्हें बनाना सीखते हैं। तो देखा ना आपने, एक ही बैग में मेरी सारी स्टेशनरी का सामान कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और इसके लिए हम लेंगे 4 खाली बॉटल्स, अपनी मनपसंद कलर का फैब्रिक, फोम, कार्डबोर्ड, टेप और सुई धागा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेस को बनाने से। चारों बॉटल्स को इक्वल साइज में कट कर लें। अब टेप की मदद से इन चारों बॉटल्स को एक साथ पेस्ट कर दें। बॉटल्स को कार्डबोर्ड पर रखकर जितना स्पेस कवर हो रहा है उतना आप कार्डबोर्ड कट कर लें। अब मैंने यहाँ पे 22x20 इंच का फैब्रिक लिया। अब ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है ना वो उन 4 बॉटल्स के अकॉर्डिंग लिया है और बस इसे कट कर लिया। अब इस फोम को जितना हमने फैब्रिक कट किया है उससे 1 इंच छोटा आप इसे भी कट कर लें। अब कार्डबोर्ड को फैब्रिक के सेंटर में पेस्ट कर दें। अब फोम को भी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दें। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम अंदर की तरफ पेस्ट करेंगे, जिसके लिए आप इसे कॉर्नर से कट कर लें ताकि पेस्ट करने में हमें आसानी हो। ये फोम दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने फैब्रिक को चारों तरफ से इसके ऊपर रख के सिल दिया। अब इन चारों साइड्स को बैग की शेप देते हुए इनके किनारों को सिल दें। अब जो बॉटल हमने पेस्ट की थी उसे बैग के अंदर इंसर्ट कर दो। बैग तो हमारा बन गया। अब हम इसे पॉम्पॉम लेस की मदद से डेकोरेट कर लेंगे और बस लास्ट पे मैंने इसमें बटन लगाया और हमारा DIY स्टेशनरी बैग बनके रेडी है। इस खूबसूरत होम डेकोर को बनाने के लिए हम लेंगे कांच की खाली बोतल जो आसानी से मिल जाती है और इसके साथ ही हमें चाहिए ये सुतली जो हमें किसी भी हार्डवेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगी, एक्रेलिक कलर्स और फैब्रिक ग्लू। सबसे पहले हम सारी बॉटल्स को पेंट कर देंगे। आप चाहो तो आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हो। अब बॉटल पर हम इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और सुतली को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। मैंने 2 बॉटल्स को सुतली से ऐसे डेकोरेट कर लिया है। अब मैं बाकी की बॉटल्स को कुछ अलग तरीके से डेकोरेट करूंगी। और अब हम सुतली की ब्रेड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सुतली को डबल करके 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। अब तीनों के ऊपर वाले हिस्से को इकट्ठा करके एक नॉट बना लीजिए। अब हम इसकी ब्रेड बनाएंगे और जब ब्रेड बन जाए तो आप लास्ट में भी एक नॉट बना लीजिए ताकि ब्रेड हमारी खुले ना। और अब मैं इसे बॉटल पर टाई कर दूंगी और लास्ट वाली बॉटल में तो मैंने सुतली से एक बो बना दिया। अरे रुको रुको, अभी तो हम इसे और सुंदर बनाएंगे। ये लेटर्स देख रहे हो ना, चलो इन्हें बना लेते हैं। इसके लिए लेंगे मोल्ड जो स्टेशनरी में आसानी से मिल जाता है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना और ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इसे H, M और E की शेप दी है और बस मैंने इसे ब्राउन कलर कर दिया। और लिए मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और बस फैब्रिक ग्लू की मदद से इन्हें बॉटल्स पर पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे O लेटर की जगह बड़े फ्लावर का यूज किया है ताकि ये और सुंदर दिखे। बनाएंगे ये क्यूट से हैंगिंग फ्लावर पॉट, जिसके लिए हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल्स जो हम सबके घर में आसानी से मिल जाती हैं, और साथ ही एक्रेलिक कलर्स और कटर। सबसे पहले मैंने बॉटल पर बनी के ईयर की शेप देकर उसे कट कर लिया। अब रेड कलर से मैंने पूरी बॉटल को पेंट कर दिया और व्हाइट कलर से मैंने जहाँ पर ईयर बनाए थे ना उसके ठीक नीचे बनी का फेस बना दिया, और लास्ट में मैंने व्हाइट कलर से डॉट्स बना दिए। और ऐसे ही आप बॉटल्स को अलग अलग शेप देकर ऐसे क्यूट हैंगिंग फ्लावर पॉट बना सकते हो। अब तो बस पैराशूट एलोवेरा को ऑर्डर करते रहेंगे और खाली बॉटल से DIY बनाते रहेंगे। और अगली बार कबाड़ी वाला आए ना तो इन बॉटल्स को बेचना मत। अगली बार अच्छा होम डेकोर बना लेना, हैंगिंग फ्लावर पॉट बना लेना, जिससे तेरा घर और गार्डन दोनों सुंदर दिखें। पुराना लोहा प्लास्टिक बॉटल ले आ। अंकु को कबाड़ी वाले में बेच दे क्या?